शराब की सूचना पर जोगा पहुंची पुलिस के साथ मारपीट। आरोपितों के हमले में घायल हुए तीन सिपाही। सोमवार दोपहर थाना क्षेत्र के ग्राम जोगा में शराब बिक्री की सूचना पर पहुंची पुलिस पर आपस में झगड़ रहे दो पक्षों ने हमला कर दिया। हमले में तीन कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस पर हमले की सूचना में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। इसके साथ ही क्षेत्राधिकारी भोगांव प्रियांक जैन व एसडीएम भोगांव सुधीर कुमार भी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि रविवार दोपहर नवीगंज चौकी पुलिस को जोगा में शराब की कालाबाजारी की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जोगा में झगड़ रहे दिलीप व चंदन पक्ष के लोगों को मना किया, परंतु दोनों ही पक्षों के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने नवीगंज चौकी इंचार्ज अभिमन्यु मलिक की तहरीर पर दिलीप पक्ष के दिलीप प्रदीप गोविंद विशाल व अज्ञात चंदन पक्ष से चंदन सहित आधा दर्जन से अधिक अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। वहीं तीनों घायलों का मेडिकल कराया गया। सही से आरोपी का हुई थी लड़ाई इनमें दोनों में, तो इनमें मतलब फिर सौ नंबर फोन किया, पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले को मारा पीटा इन लोगों ने, ईटा फीटा मारे हैं पुलिस वालों को, तो बेचारे घर पर भेजे, दूसरे घर पर भेजे हैं अंदर डुक भी अकेले। तो मतलब हम लोग तो अंदर ही थे, मेरे मतलब सांस खत्म हुई है, हम तो वही प्रोग्राम कर रहे हमारे साथ। झगड़ा किस बात को हो गया था इन लोगों को? पता नहीं क्या भाई, शराब के ऊपर ठेके से हो रही थी बात। हाँ, ठेका से हो रही थी। कोई पैसे के लेन देन में पैसा ज्यादा है क्या, मतलब किस बात को हुई? पता नहीं, वे लोग कर रहे थे दारू बेच रहे हैं तो उन लोगों ने पता है। अच्छा, ये था अच्छा लड़ाई झगड़ा का तो हम लोगों ने समझ नहीं, हम लोगों ने मन पीट एकदम हमें मार चुको नंगा, हमें खूब मारो, हमने सरदार बहुत मार, मैं देखो मैं क्या कर, मेरे तो फिर आएंगे, हमें बहुत मारो, हमने छोटे छोटे नहीं तो भाई भाई लड़ाई वो चारों भाई इकट्ठे ही है। हाँ। अच्छा अच्छा हाँ, चारों भाई। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा शत्रु का है